नमस्कार, मैं शिवानी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन दो बड़े बम धमाकों से दहली थी मुंबई। 25 अगस्त 2003 का दिन मुंबई के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। इस दिन गेटवे ऑफ इंडिया और अबूझटों की बड़ी मार्केट झावेरी बाजार के पास हुए बम धमाकों में 52 लोगों की मौत हो गई थी और 150 लोग घायल हो गए थे। गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए धमाके से ताज होटल के कांच तक टूट गए थे। इन बम धमाकों को आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने अंजाम दिया था और इसे गुजरात दंगों का बदला बताया था। इस हमले की योजना भी 1993 के बम धमाकों की तरह दुबई में बनाई गई थी। इस हमले में पकड़े गए आतंकियों ने इससे पहले 2 दिसंबर 2002 को भी बम विस्फोट किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। 30 साल बाद आज के दिन श्रीलंका सरकार ने हटाया था आपातकाल। 25 अगस्त 2011 को श्रीलंका सरकार ने 3 दशकों से चले आ रहे आपातकाल को खत्म करने की घोषणा की थी। यह आपातकाल सेना और तमिल विद्रोहियों के बीच टकराव शुरू होने के बाद लगाया गया था। हालांकि मई 2009 में लगभग 3 दशकों से तमिल विद्रोहियों से चले आ रहे संघर्ष LTTE प्रमुख वी प्रभाकरण की मौत के बाद समाप्त हो गया था। इसके बाद तमिल विद्रोहियों का सफाया हो गया था। आपातकाल हटाने की घोषणा श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने संसद में की थी। उन्होंने कहा था कि देश को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए आपातकालीन कानूनों की आवश्यकता नहीं है। फिरोज शाह तुगलक तृतीय आज के दिन बना था दिल्ली का सुल्तान। 25 अगस्त 1351 को तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक तृतीय दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। पिछले 20 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक तृतीय का राज्याभिषेक थट्टा के पास हुआ था, लेकिन 25 अगस्त को दोबारा दिल्ली में उसका राज्याभिषेक किया गया। फिरोज शाह ने कृषि समेत कई तरह के कर्जों को माफ कर दिया था, लेकिन जजिया, जकात, खराज और खम्स जैसे करों को जारी रखा था। उसने 5 बड़े नहरों का भी निर्माण कराया था और फिरोजाबाद, हिसार और जौनपुर आदि कई शहरों को बसाया था। उसके शासनकाल में दीवाने खैरात के नाम से दान विभाग बनाया गया था। फिरोज शाह ने फतुहाते फिरोज शाही के नाम से आत्मकथा लिखी थी। आज के दिन भारत बना था पोलो का विश्व विजेता। 25 अगस्त 1957 को भारतीय पोलो टीम ने फ्रांस में आयोजित विश्व पोलो चैंपियनशिप में जीत हासिल की थी। पोलो में विश्व विजेता बनना भारत के लिए बड़ी गर्व की बात थी। आजादी से पहले पोलो भारतीय राजाओं के पसंदीदा खेलों में से एक था। आजादी के बाद भारत में यह खेल प्रोफेशनल तरीके से खेला जाने लगा। विश्व चैंपियनशिप में जीत के बाद भारत में पोलो को फिर से बढ़ावा मिला। 1975 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन के पीछे देश का सबसे बड़ा पोलो ग्राउंड बनवाया गया था। इस ग्राउंड को राष्ट्रपति पोलो ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। आज के दिन हुआ था चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग का निधन। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का 42 वर्ष की आयु में 25 अगस्त 2012 को निधन हो गया था। आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा था, जिसे उन्होंने मानवता का छोटा सा कदम लेकिन मानवता के लिए बड़ी छलांग कहा था। विश्व भर में करीब 50 करोड़ लोगों ने यान अपोलो 11 को चंद्रमा की सतह पर उतरते हुए टीवी पर देखा था। आर्मस्ट्रांग इस यान में कमांडर थे। उन्होंने अपने साथी एडविन एल्ड्रिन के साथ करीब 3 घंटे तक चंद्रमा की सतह से नमूने लिए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा। 25 अगस्त दिन मंगलवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है उत्साह। मेष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। उत्साह एवं पराक्रम के चलते कार्यों में सिद्धि संभव होगी। नए मेहमान के आगमन से खुशियां भी आने वाली हैं। संतान को कष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला व काला। वृश्चिक, आपके उत्साह के लिए भाग्य 41%। हर्ष व उल्लास का वातावरण बना रहेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। कारोबार में आशा के अनुरूप फायदा होगा।
व्यवसायियों के लिए लाभ में वृद्धि होगी, व्यर्थ की परेशानियों के योग है। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला व सफेद। मिथुन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 46%। धन अर्जित करने में बेहतरीन अवसर मिलेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे, विदेशी यात्रा के योग है, मानसिक तनाव कम होने के योग है। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग हरा। कर्क, आपके उत्साह के लिए भाग्य 59%। परीक्षार्थियों के लिए उपलब्धि का समय बना हुआ है, करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, किस्मत आपके साथ है, परीक्षम के अच्छे परिणाम मिलेंगे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व सिंदूरी। सिंह, आपके उत्साह के लिए भाग्य 75%। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आर्थिक मोर्चे पर धन की आवक धीमी रहेगी, खर्चे अधिक होंगे, स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। विद्यार्थियों का मनुकूल स्थान में प्रवेश प्राप्ति के योग है। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग जामनी व सलेटी। कन्या, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। सेहत का ध्यान रखें, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही समय गुजरेगा, कार्य क्षमता के अनुपात में सफलता मिल सकती है, उत्साह बड़ा रहेगा और उसे आगे निकलते नजर आएंगे। परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम प्राप्ति के योग है। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग सिंदूरी। तुला, आपके उत्साह के लिए भाग्य 45%। जीवन साथी द्वारा परिवार में नकारात्मकता फैल सकती है, मेहनत का सार्थक फल नहीं मिलने के कारण निराशा होगी, अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े, वाणी व आचरण पर संयम रखें, अपमान के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का मौका मिल सकता है, यात्रा मनोरंजक रहेगी, कानूनी अड़चने दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी, घर परिवार में मांगलिक कार्य संभव है, जीवन में कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग सिंदूरी व लाल तथा निषेध रंग काला व नीला। धनु, आपके उत्साह के लिए भाग्य 77%। किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने की संभावनाएं हैं, परिवार में किसी समारोह का आयोजन किए जाने की संभावना है, इस पार्टी में आप आकर्षण का केंद्र बिंदु बन सकते हैं, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, व्यर्थ की चिंता व तनाव होने के योग हैं। शुभ रंग पीला व सिंदूरी तथा निषेध रंग हरा व बैंगनी। मकर, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। नौकरी पेशे जातकों के स्थानांतरण का योग है, स्वास्थ्य से संबंधित शिकायत भी हो सकती है, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कार्यालय में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग आसमानी नारंगी तथा निषेध रंग मैरून गुलाबी। कुंभ, आपके उत्साह के लिए भाग्य 55%। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो सकती है, आप विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों को आकर्षित करेंगे, परिवारजनों से संबंधों में भी मतभेद हो सकते हैं, कारोबार में लाभ के योग है। शुभ रंग स्टील ग्रे तथा निषेध रंग नारंगी। मीन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 78%। घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अचानक धन लाभ के योग है, पारिवारिक समस्याओं के कारण मन खिन्न हो सकता है, वाणी पर संयम रखें, अपमानित होने के योग है। शुभ रंग पीला लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला जामनी सलेटी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 3:50 से 5:35 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।